इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दुनिया आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। पूरी दुनिया का अगर जायजा लिया जाए तो दज्जाली फितनों के तूफान में हमने कदम रखा हुआ है। जंगी हालात, आलमी वबा, यह सब इसी की तरफ इशारा करते हैं। मर्ज कोरोना हो या पिछले दो तीन दिन से इसराइल का फलस्तीन पर हमला हो, जिन पेशेंगोयों को बताया गया है हूबहू आज मुकम्मल होता देख रहे, और जो लोग इस्लाम, ईमान और आखरत के साथ मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने आने वाले मुस्तकबिल को भी टटोलना शुरू किया। भारत में बाबरी मस्जिद के बाद हिंदुत्व का उरूज और फलस्तीन में इसराइल की जानिब से जुल्म सितम भी इसी पस मंजर में देखा जा सकता है। हालांकि भारत में कोरोना के मद्देनजर फिरका परस्त ताकतें कुछ हद तक दबी हुई नजर आ रही है। भारत और फलस्तीन के ताल्लुकात का तذکرہ किया जाए तो भारत हमेशा पहले फलस्तीन के हक में ही हुआ करता था। इसके बावजूद भी उस दौर में इसराइल के साथ इन संघियों के ताल्लुकात हमेशा रहे। जब से भाजपा और संघीय विचारधारा की मोदी हुकूमत इख्तदार पजर हुई है तो यहूदी इसराइल के हिमायतों की सोच और फिक्र भी भारत में ज्यादा तौर पर पनपने लगी। वैसे भी आरएसएस और इसराइल का पुराना याराना महज मुस्लिम दुश्मनी पर है। अब जब इसराइल ने मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के कुछ इलाकों पर हमला किया तो भारत के संघी यानी कि नाजी यहूदियों को फलस्तीन पर हमले का जश्न मनाकर इसराइल हमले की हिमायत करने में लगे। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने जर्मनी में हिटलर और उसकी सियासत की हिमायत फरमाई थी। भारत में हर दिन मरने वालों की तादाद हजारों से भी जायद है। गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैर रही है, सड़कों के किनारे लाशें पड़ी हुई है जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन वे खुश इसलिए हैं क्योंकि फलस्तीन में मुसलमान मर रहा है। बेटा अपने बाप की डेड बॉडी लेने से इसलिए बच रहा है क्योंकि इसकी बाप की मौत कोविड से हुई है, लेकिन शाम को इसराइल की हिमायत में खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। अपने बाप की मौत की फिक्र तो इसे नहीं है, पर फलस्तीनियों की मौत का मजा इसे आ रहा है। मरने के बाद शमशान ले जाने के लिए गाड़ी और मुखाग्नि के लिए लकड़ी नहीं मिल रही, लेकिन शाम को इसराइल के समर्थन में इसलिए ट्वीट कर रहा है क्योंकि फलस्तीन में मुसलमान मर रहा है। यानी गम अपने दुखों से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से पनप रहा है। इसका हल सिर्फ यह है कि मुस्लिमों को मारने वालों का पूरा समर्थन करो। खैर, यह पहला मामला नहीं है कि ये नफरती गिरोह इस तरह का रद्दमल करते रहते हैं। इन्हें असल में इस्लाम की तारीख का ही पता नहीं है। खैर, आज भी इसराइल के जालिमाना हमले जारी है। अब तक 50 के करीब फलस्तीनी शहीद होने की इत्तला हासिल हुई है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक कलबी रिश्ता मस्जिद अक्सा से। मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफर किया। पहले मुसलमान इसी की तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे, इसलिए इसे किबला अव्वल भी कहा जाता है। मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस तरीन जगह मानी जाती है। इसी तरह यहूदियों के लिए भी यह मुकद्दस जगह मानी जाती है। वो अपना हैकले सुलेमानी तामीर करने की बात करते हैं। अगर इस्लामी पस मंजर देखा जाए तो इस्लाम के उन मुजद्दिद लोगों को इसका इल्म है और इसके लिए वो तैयार भी है। तभी तो पिछले 60 सालों से फलस्तीन मुस्तकिल इसराइल से लड़ता आ रहा है। यहाँ के बच्चों, बूढ़ों और मर्द खवातीन में जज्बे शहादत देखा जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ उमूमन बच्चों में खेलने कूदने और दुनियाई तालीम से आरास्ता हम करते रहते हैं, बच्चों को मोबाइल गेम, दुनियाई खेल कूद, डॉक्टर, इंजीनियर या पैसे रुपये कमाने की तरबियत देते हैं, इसी तरह से फलस्तीन में माएँ अपने बच्चों को इस्लाम की खातिर मर मिटने का सबक सिखाती हैं। हमारे यहाँ आपको दीनी रहनुमाओं से जिम्मेदार तंजीमें, इदारे सभी में खौफ खुदा के बजाय खौफ हुकूमत या दुनियाई बादशाहों का डर देखा जाता है। पर फलस्तीन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के मिट्टी में बुजदिल पैदा नहीं होते। आज पूरी दुनिया तकरीबन इसराइल की पुष्ट पनाही करती है। अमेरिका मुनाफिकाना झूठ के जरिए फलस्तीनियों की हिमायत की बजाय इसराइल की तरफ झुकाव रखता है। दुनिया पर वैसे यहूदियत का तसल्लुत कायम है, पर जैसे नबी रहमत ने कहा कि इस्लाम गालिब आकर रहेगा, लिहाजा इसकी मिसाल भी देखी जा रही है। आखिरी दौर में मुस्लिम मुल्कों का तसल्लुत कायम होगा। और यह भी पेशेंगोई बताई कि इस्लाम अमीरों में नहीं तो गुरबत में ही परवान चढ़ता रहता है। अब जब सऊदी अरब को अमेरिका की गुलामी कबूल करता देखा जाता है, खैर इसने भी अब इसराइल ने जो हमला किया है इसकी मजम्मत की है, पर गुलामी इसने कबूल कर रखी है अमेरिका की। इसी के कहने पर तो कोरोना की आड़ में मक्का और मदीना को बंद किया गया। वहीं दूसरी ओर दुनिया की दो सुपर पावरों को अफगानिस्तान से शिकस्त खाना पड़ा। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, आला तरीन जदीद हथियार भी नहीं है, पर रशिया और अमेरिका को भगाया, इसका क्या मतलब है? जबकि पूरी कुव्वत पूरी दुनिया की
जालिमाना हुकूमतें मिलकर अफगानिस्तान को ख़त्म करने पर तुली रही, पर दुनिया ने अपने माथे की आंखों से देखा कि रूस और अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। अगर फलस्तीन पर खुशियां कुछ लोग मना रहे हैं तो ये खुशियां इनकी बहुत कम साबित होंगी, क्योंकि दुनिया उसी राह पर चल पड़ी है जिसके बारे में हमें पहले बताया गया है, और कुछ मुट्ठी भर लोग ही होंगे जो अपनी जानों को हाथ में लेकर अल्लाह की राह में निकल पड़ेंगे, जिस तरह 313 निकले थे। अल्लाह की मदद जंग के मैदान में उतरती है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग महज चंद इबादतों और महदूद अमल के साथ जन्नत और किसी इनकलाब की आमद की बात करते रहते हैं, मुंतजर है किसी सलाउद्दीन अयूबी के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन सलाउद्दीन अयूबी हम में से ही पैदा होंगे और इनकलाब को लाएंगे। जंगे कभी तादाद की बुनियाद पर जीती नहीं जाती, बल्कि तुम्हारी ईमानी कुव्वत, तुम्हारा तकवा ही जीत की जमानत होती है। बुजदिलों की इबादतें भी कबूल इसलिए नहीं होती क्योंकि डर महज अल्लाह का होना चाहिए। आज अगर किसी बीमारी में दुनिया मौत तलाश रही है तो वही अपने ईमान के मियार को टटोलने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी, मौत, शिफा, बीमारी का मालिक महज अल्लाह है। आज देख सकते हैं कि लोग जहनी बीमारी में मुब्तला है। मौत के डर ने तुम्हें वक्त से पहले कब्रिस्तान पहुंचाया है, अल्लामा इकबाल ने बताते हुए हमारे असलाफ कैसे थे बताया, और हम कैसे हैं। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्त था, इसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था इसी कुव्वत बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। आज अस्पतालों में सबसे ज्यादा मौतें डर से हो रही है, इसलिए कुदरत ने कभी मुसलमान को बुजदिल नहीं बनाया, पर दुनिया की मोहब्बत, ऐश परस्ती, दुनिया की हिर्स और हजार साल जिंदा रहने की आरजू ने इस काम को बुजदिल बना दिया। हर दौर में हक और बातिल का टकराव होता है और रहेगा, पर हम सबको ये देखना होगा कि कहीं हम बातिल के गिरोह में तो नहीं है, भले ही ना हम नाम निहाद मुसलमान ही क्यों ना हो। यही हालात इससे पहले जब मस्जिद अक्सा इन्हीं यहूदियों के कब्जे में थी तब भी आज के जैसे ही हालात थे। मुसलमान आपस में लड़ते थे, मसल के इख्तलाफात उरूज पर थे, हर कोई अपनी जमात को जन्नती और दूसरों को काफिर कहता था। उलमा सरकश बन चुके थे, अवाम बुराइयों के तमाम हदूद को पार कर चुकी थी। लिहाजा ऐसे दौर में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आज की तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद बैतुल मक़दिस पर इस्लामी परचम लहराया। कहने का मतलब, आज हर कोई बहाने पेश करने में लगा हुआ है, हालात के दलाइल दिए जाते हैं। बुजदिली को हिकमत कहा जाता है, पर तारीख गवाह है कि इनकलाब हमेशा बहादुरों ने ही रुनुमा किया है। फलस्तीन की जानिब से भी रॉकेट दागे जा चुके हैं, और वैसे भी इसराइल के हिमायती संगियों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमान की जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। वो दुनिया में आया ही है मरने के लिए, यह इम्तिहान गाह है, और जब अल्लाह की राह में अपनी जानों को खपा देता है तो उसे लामहदूद जिंदगी की कामयाबी हासिल होती है। नबी के हाथ से जामे कौसर नसीब होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होता है, और यही मुसलमान के पैदा होने का असल मौकूफ होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर की छाई, दुनी में इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। फिर से एक बार फलस्तीन और इसराइल की जंग होने के कगार पर है, और यह जंग शायद तवील भी हो सकती है और आलमी जंग की इफ्तिताह भी हो सकती है। दुनिया को इसका इल्म है कि इसराइल दहशतगर्द है, क्योंकि इसने फलस्तीन की जगह को गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है। जो मुल्क पहले मुकम्मल फलस्तीन हुआ करता था, वह दुनिया भर की यहूदियों को जमा कर फलस्तीन में रहने के लिए जगह दी गई, और आज फलस्तीन पर ही कब्जा कर बैतुल मक़दिस पर अपना हक जमाना चाहता है और मकामी फलस्तीनियों पर जुल्म ज़्यादती कर रहा है। और जब से इसराइल बना है, हर लिहाज से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जाती है और हैकले सुलेमान तामीर करना चाहता है। अगर पेशिंग को यह देखी जाए तो इसराइल यह करेगा, पर इसके बाद दुनिया भर में खून खराबा होगा। मुसलमान आजमाइश के दौर से गुजरेगा, नकली और असली मुसलमान पहचाने जाएंगे, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतरना, तमाम बातों का भी अभी इंतजार है। जो भी हो, एक बार फिर अरब यहूदी जंग भी कयामत की निशानियों में से एक है। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि हमास ने अब तक 1000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जबकि बरोज मंगल 2 रॉकेट में गाजा के 2 टावर बुरी तरह से तबाह हुए हैं। इसराइल की कैपिटल तेल अवीव में हुए हमले के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। इसराइल में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। फलस्तीन में अब तक 50 लोग शहीद हुए, जिनमें 13 बच्चे होने की इत्तला मिले। अमेरिका ने कहा है कि यह जंग में तब्दील ना हो जाए, पर यह भी उतना ही सच है कि अमेरिका इसराइल का हिमायती है, और ऐसे वक्त में वो नौटंकी करता रहता है। दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया भी एक हो चुके हैं। तुर्की के सदर तैयब रेसेप एर्दोगान ने कहा कि इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी मुल्क खामोश है वो इसकी हिमायत कर रहा है, लिहाजा मुस्लिम मुल्कों को एक होना है। बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान बताया जा रहा है, इतना तो जरूर है कि यह जंग उस राह पर चल पड़ी है जिसके बारे में पहले ही हमें बताया गया।
अब हमें यह देखना है कि हम किस गिरोह में खड़े हैं। कहीं हमारी बुजदिली और दुनिया परस्ती ने ईमान को तो सर्व नहीं किया। अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।